Hi everyone, a very good afternoon to all of you, and you all are most welcome. Welcome to Literature Lovers with A.K.S. Rasveer, your favorite educator on the platform. So guys, आप सब लोगों को क्लियर ही होगा, एक बात तो सही है। चलिए अगर क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिए और इसके बाद हम सब कुछ गाइज स्टार्ट करते हैं, है ना? बिल्कुल दोस्तों, ये है पार्ट सेकेंड। कल वाला पार्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यूजीसी नेट इंग्लिश क्रैश कोर्स, दैट इज अ प्लेलिस्ट। और भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए गाइज। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए गूगल पर सर्च कीजिएगा A.K.S. Rasveer टेलीग्राम, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको पूरे के पूरे क्लासेस के लिंक और एवरीडे जो 8 PM क्लास होती है अनअकैडमी पर फ्री, तो वो भी क्लास का लिंक गाइज आपको डेली आता रहेगा। और बाकी तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि मैं हूं कौन और मैं क्या करने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं गाइज। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये कई बार जब लोग क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं तो ये वाली स्लाइड देख लिया करें, बताने में थोड़ा कम ही अच्छा लगेगा बट समझ लेने में ज्यादा बेटर। For UGC NET guys, you can join my paid course on an academy platform. And if you do not want to join paid courses, so you can watch my free special classes on an academy platform. What to do for watching free special classes, guys? So free special, if you want to watch free special classes, so then apply code A.K.S. Rasveer, that is already running on screen. And by applying this one code, code A.K.S. Rasveer, you may unlock all the free classes on the platform. पेपर वन पेपर टू फॉर यूजी से। एंड अगर आप गाइज टीजीटी एंड पीजीटी एस्पायरेंट है, सो देन यू कैन सी गाइज ऑन योर स्क्रीन, आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। एलपी ग्रेड बैच दैट इज ऑलरेडी लाइव गाइज, एंड टीजीटी पीजीटी, सो देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टीजीटी एंड पीजीटी एज वेल। और हाँ, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो, अगर अभी तक क्लास एंड ऑल ना मिला हो तो मिल जाएगा, परेशान ना हो, नहीं होंगे उसके लिए, ठीक है? चलिए, ये तो हमने डन कर लिया था कल वाली क्लास में, और गाइज आज की क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग ही लर्न करने की जरूरत है। जस्ट गाइज कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स वर्क्स एंड टाइप्स, ऑल द थिंग्स गाइज, इनके बारे में हम लर्न करेंगे आज वाली क्लास में। तो कल की क्लास का गाइज ये निकल चुका है और इसके बाद हम आ जाते हैं आगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और यहां तक गाइज हमने कर लिया था। अब आज वाली क्लास में थोड़ा और इंटरेस्टिंग करेंगे। बाई द वे स्क्रीन पर मैंने बहुत सारा इसलिए लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स को जो नोट्स मिले, यानी जो इस क्लास का पीडीएफ मिले, तो इंटरेस्टिंग पीडीएफ रहे, है ना? एक मिनट के लिए गाइज और भी आप वेट कर लीजिएगा, वैसे आप वेट कर लेते हैं। मैंने अपना बोर्ड नहीं ऑन किया सो कि पेन मेरा चल सके कंटिन्यूअसली गाइज, है ना? यस, सेंस बोर्ड को मैं अपने ऑन कर दू, स्वामी विवेकानंद जी दिख ही रहे होंगे आपको स्क्रीन में, है ना? चलिए, सो सेंस बोर्ड की जरूरत होती है गाइस ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके, और ये सेंस बोर्ड सेंस पर काम करता है ना। शुरू करते हैं गाइस। आज वाली क्लास में मैं वो कैरेक्टर्स आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और सेम गाइस कल वाली क्लास में भी 1 PM वाली में मैंने किया था। चलिए शुरू करें, रेडी? 1 लाइक एंड शेयर अगर हो सके तो डंडनाडन कर दीजिए। शुरू करते हैं। गाइज आपने नाम सुना ही होगा वेटिंग फॉर गोडो, इसका नाम सबने सुना है, वेटिंग फॉर गोडो। दिस इज बेसिकली एन अब्सर्ड प्ले। अब्सर्ड प्ले का मतलब आप समझते ही होंगे, अ काइंड ऑफ प्ले गाइज, कि जहां पर आपको मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड जो साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है बड़ा बेकार सा गाइज आपको लिखा है ना। सो वेटिंग फॉर गोडो, दिस इज अ प्ले बाय सैमुअल बेकेट गाइज, सैमुअल बेकेट, है ना? और सैमुअल बेकेट ने ये जो वर्क लिखा ना वेटिंग फॉर गोडो, ये फ्रेंच है। आपके एग्जाम में इस वर्क्स को लेकर के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए हैं गाइज, इवन आते रहते हैं। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स को, व्हाटएवर गाइज एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो सी लाइक, देखिए कैरेक्टर लाइक स्ट्रागन, स्ट्रागन का एक और नाम है गाइज गोगो, गॉट इट? स्ट्रागन इज ऑल्सो नोन एज गोगो in Waiting for Godot, that was came in the year 1953. So, ye Estragon and Gogo character hai. Pozo is a character. Bloody Mir is a character. Lucky hai. So, Lucky and Pozo, servant and master. Master and servant, servant and master. So, ek baar Pozo master hai.
और एक बार पोजो सर्वेंट. इन फर्स्ट सीन गाइज, सो पोजो इज द मास्टर एंड लकी इज द सर्वेंट. एंड इन द लास्ट वन सीन, सो यू कैन सी पोजो इज सर्वेंट एंड लकी इज द मास्टर. एंड पोजो गाइज ये ब्लाइंड भी हो जाता है. एंड यू नो गाइज, पोजो ने लकी को एक बैग दिया होता है. देयर इज अ बैग एंड बैग दैट वाज पैक्ड विद सैंड था गाइज उस बैग में, और कुछ भी नहीं, ओनली सैंड वाज देयर. बॉय गाइज अगर मैं बात करूं, सो बॉय द मैसेंजर ऐसा माना जाता है. सो द मैसेंजर ही वाज सेंडेड बाय हूम. सो ये बॉय जो है इसे सेंड किसने किया था, इसे गोडो ने गाइज. एंड हु इज गोडो? Even we don't know, you don't know, anyone else, guys, कोई नहीं जानता who is this Godo. ठीक है, कोई नहीं जानता इस Godo के बारे में कि कौन ये Godo है. Absurd play है guys and tragic comedy, so this can be also seen in the work. ठीक है ना? I hope so guys. Yes. एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है यूजीसी वालों का, परेशान मत होइए. मैसेज करते हैं ना आप लोग कि मतलब सर कब आएगा, अभी आया नहीं, मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा. जब अपलोड होगा तब डाउनलोड होगा ना. सी द व्हाइट डेविल, द व्हाइट डेविल गाइस, सो यू ऑल आर फैमिलियर, ये वेबस्टर का वर्क. रिवेंज ट्रेजेडी इट इज, एंड 1612 इज द टाइम पीरियड जब आया. और व्हाइट डेविल से गाइस कैरेक्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड यू कैन सी द कैरेक्टर लाइक Flaminio, Vittoria, Crombona, और the Duke of Brasiano, Paul Giordano and all guys, and Francisco de Medici. But यहां पर मैं आपको guys बता दूं, Cardinal is important, Cardinal and Vittoria Crombona guys, ये बहुत ज्यादा important है guys. Vittoria, these are the character guys जो सबसे ज्यादा important है. Guys, एक कैरेक्टर है अगर आपने सुना होगा गाइस जो स्पाइन का काम कर रहा था, है ना? Yes, there is a character जो स्पाइन वाला काम करता था. SPYING guys, स्पाइन वाला काम करने वाला एक कैरेक्टर. Yes, so ये कैरेक्टर भी गाइस इनके जॉन वेबस्टर के एक वर्क में मिलेगा. What is the name of the work guys जो स्पाइन कैरेक्टर आपको मिलता है, स्पाइन करता है? Yes, इसकी एक लेडी. सो प्लीज लेट मी नो गाइस वो क्या नाम है उसका, स्पाइन वाले कैरेक्टर. सो व्हाइट डेविल में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज विक्टोरिया क्रोमबोना गाइस. ये वाला नाम पूछा जाता है, द मेन कैरेक्टर लीड लेडी है गाइस ये. यस, इन द व्हाइट डेविल. केयर टेकर, इसके बाद अगर गाइस बात करें हम द व्हाइट डेविल, आफ्टर दैट वी हैव अनदर वन वर्ड, दिस इज केयर टेकर. क्लियर है ना सबको, कोई प्रॉब्लम? या गाइस, बोसोला इन डचेस ऑफ मल्पी. यस, स्पाइन करने वाला, SPYING. सो स्पाइन करने वाला कौन सा था? ये बोसोला था गाइस, BOSONA. और ये आपके एग्जाम में मुझे लगता है 3-4 बार पूछा गया, 3-4 टाइम बोसोला. सम टाइम हु वाज स्पाइन, हु वाज अपॉइंटेड, बोसोला इज द कैरेक्टर, हु टू प्रिवेंट एंड ऑल. So, ये किसी कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बोसोला स्पाइन कैरेक्टर गाइस. एंड वेयर? इन द वर्क डचेस ऑफ मालफी. ठीक है, एंड द व्हाइट डेविल, सो ये विक्टोरिया पे आता है. केयर टेकर दिस इज अ वर्क बाय हैरोल्ड पिंटर. बाय द वे गाइस, हैरोल्ड पिंटर के दो तीन वर्क है जो बड़े इंटरेस्टिंग है, बट यहां पर हम सिर्फ पहले केयर टेकर की बात कर लेते हैं. केयर टेकर बाय हैरोल्ड पिंटर, दिस इज अ वर्क गाइस जहां पर दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है मिक एंड अनदर वन गाइस यहां पर अगर आप देखें लाइक डेविश, गॉट इट गाइस, डेविश एंड एस्टन. ये गाइस कुछ कैरेक्टर, मिक, एस्टन एंड डेविश गाइस. डेविश का एक और नाम है जो है जेनकिंस, और जेनकिंस आपको कैंटरबरी टेल्स में मिलेगा. ठीक है, जेनकिंस वेयर गाइस? इन कैंटरबरी टेल्स, जेनकिंस नाम के कैरेक्टर. पता है कौन है वो गाइस? जेनकिंस, कैंटरबरी टेल. प्लीज डू रिमेंबर, अगर याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा. ठीक है, सो इन केयर टेकर मिक, एस्टन एंड डेविस, डेविस ऑल्सो नोन एज जेनकिंस, दीज आर द 3 कैरेक्टर इन केयर टेकर. एंड मस्ट रिमेंबर गाइस, आपके एग्जाम में ये रिपीट हो जाते हैं, रिपीट.
सो इसीलिए ट्वाइस रिपीट हो चुके हैं, सो दैट्स व्हाई गाइस मेरा जो काम था मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। द वॉइस इज नॉट क्लियर टूडे, कौन कह रहा भाई वॉइस क्लियर नहीं है आज की डेट में? वॉइस एंड ऑल एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज या एक बार वॉइस चेक कीजिए। सो गाइस एवरीथिंग इज क्लियर बाय द वे, ठीक है? यस एस्टन, और ये याद रखेंगे प्लीज। एंड यू नो गाइस ये जो जेनकिंस नाम का कैरेक्टर ना कैंटरबरी टेल्स में, सो वाइफ ऑफ बाथ, वाइफ ऑफ बाथ, फाइव हस्बैंड थे उनके, द फिफ्थ हस्बैंड सो नेम वाज जेनकिंस, जिसने जिसकी फाइट हुई थी जिसके साथ, वाइफ ऑफ बाथ एंड गेस दोनों ने, है ना, फिफ्थ हस्बैंड गाइस, क्लियर है ना? हमेशा याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके गाइस तो नेक्स्ट वन पर आ जाइए और नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। ऑल क्लियर गाइस, या सब कुछ क्लियर है? आप लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, या गाइस नेक्स्ट वन देखें, एक और यहां पर वर्क है गाइस जिसके कैरेक्टर इंपॉर्टेंट गाइस, दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड एवरी सिंगल एग्जाम जो होते हैं, लाइक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, far from the madding crowd, so first of all you must remember the title came from Gray, Thomas Gray guys, Thomas Gray, Thomas Gray ke work ka kya naam hai, so guys you know Gray's work is what, elegy written in a country churchyard and there you can see line far from the madding crowd, these are the lines that appeared in Gray's poem, elegy written in a country churchyard. By the way guys, this is the work associated with Thomas Hardy and in this work you can see character Gabriel Oak. Gabriel Oak, Bathsheba Everdeen. Ye guys aapke exam mein kaafi zyada puchi jati hai, Bathsheba Everdeen. So aap keh sakte hain guys, lead character, heroine of this particular novel and hero of this particular novel Gabriel Oak. Hai na? Aur Gabriel Oak ke saath ek badi tragedy hoti hai. That's why guys The work contains tragic elements. इस वर्क में आपको ट्रेजिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे, है? So Gabriel Oak, what happened? Gabriel Oak की जो गाइस वो थी क्या? सीप्स। So गाइस जितनी सीप्स थी सो उनकी डेथ हो जाती, कैसे वो आपको पता होगा, वन नाइट गाइस एंड दैट वॉज अ ट्रेजिक इंसिडेंट। सो Gabriel Oak, Bathsheba Everdeen, सर्जेंट यू नो गाइस फ्रांसिस ट्रॉय, कई बार देखिए एग्जाम में जैसे आ जाता है सर्जेंट ट्रॉय तो हमें लगता है कि ये कहीं होमर होमर से होगा, है ना गाइस, ट्रॉय जैसे ही वर्ड हम सुनते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, सो डोंट बी कंफ्यूज, 100% में से 1% भी, व्हाट्सएप स्टेटस सो यू नो गाइस यस दिस वन यू कैन, सो मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो ट्रॉय वर्ड है इससे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है? यस William Bold and Fanny Robin. These all are the character far from the madding crowd, guys. The title that came from Gray's elegy, guys. ठीक है? And एक बार आप guys share कर सकते हैं if you wish. So do not forget to share. है ना? चलिए. Next one पर आ जाते हैं और next one देखते हैं. Jane Eyre novel by Charlotte Bronte. गाइस एक जेन आयर नाम का नॉवल और आप सभी इसके बारे में जानते हैं, इट वाज केम इन 1847 एंड जेन आयर इसमें से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड द लीड कैरेक्टर गाइस ये इसमें से सबसे मेन कैरेक्टर है बाथा मैशन, BERTHAMASON एंड यू नो गाइस मैड वुमन इन 80, द कॉन्सेप्ट मैड वुमन इन 80, सो गाइस ये यहीं से आ जाता है बेसिकली आपके जेन आयर वर्क से। बाय द वे कैरेक्टर लाइक जेन आयर, एडवर्ड रॉचेस्टर एंड बाथा मैशन एंड अगर गाइस इस पर्टिकुलर वर्क को देखा जाए सो ये हॉरिफिक फिक्शन है और गॉथिक नॉवल की कैटेगरी में बिल्डिंग रोमा कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इन दिस नॉवल व्हाट यू कैन सी इन दिस नॉवल एक चीज आपको नोटिस करने की जरूरत पड़ जाएगी या यू मे गाइस इजीली नोटिस कि ये जो वर्क है जेन आयर के डेवलपमेंट की बात करता है, डीई वी ई एल ओ पी यस डेवलपमेंट,
ये गाइस JNIR के डेवलपमेंट की बात कर लेता है, ये वाला वर्क का इजाफा है ना, क्योंकि JNIR छोटी सी बच्ची होती है, एंड यू नो डेवलपमेंट विद द टाइम यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर वर्क। जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर चल रहा है, नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिए प्लीज, और वहां से बात कीजिए, है ना। यस, सो बिल्डिंग रोमा, ये है बिल्डिंग रोमा मतलब डेवलपमेंटरी नॉवल ऑफ एजुकेशन, एंड गॉथिक एलिमेंट आर ऑल्सो देयर गाइस इन दिस पर्टिकुलर वर्क। और गॉथिक एलिमेंट कैसे है, देखिए जेन वेन ही वॉज जस्ट अ किड, छोटी थी, एंड द पेरेंट्स डाइड, सो वो जाती है अपने आंट के पास रहने के लिए, अंकल एंड आंट के पास, एंड सी वॉज जस्ट लॉक्ड इन अ रूम, जो हॉरिबल टाइप का एक रूम था, एंड ऑन दैट रूम सी वॉज लॉक्ड, और लॉक होने के बाद गई सी वॉज जस्ट क्राइंग देयर, एंड काफी ज्यादा डर भी गई थी एज अ किड। ठीक है गाइस, चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये भी कमजोर वर्क नहीं है। बेन जॉनसन इज द राइटर ऑफ द वर्क, दिस इज अ प्ले, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ह्यूमर गाइज है ना। यस, so these are the work by Ben Jonson, and the work came in the year 98, I mean 1598. In this particular work guys, आप character तो बहुत सारे आप देखते हैं, but in these, out of these characters guys, कौन कौन important हो सकते हैं आप सबके लिए, जैसे guys Edward Norval, Brainworm, Old Norval, Master Stephen, Well Bred, and downright, these all are the character, but guys, जिसमें से मैं कह सकता हूं, जैसे old novel का character important, brain war character important, and you can see guys novel, so these are the basic characters जो आपको याद रखने चाहिए, at least every man in his humor, क्योंकि देखिए आपके exam में जब आते हैं तो just only the name of the character और name of the character, उसके बाद वहां पर कुछ नहीं होता guys, है ना। yes, so इसीलिए every man in his humor is do focus on the work, और Ben Jonson से और कैसे questions आते हैं, so you know guys subtitle, got it, subtitle वाले questions आते रहते हैं Ben Jonson से कई बार ऐसे, तो अब आपको क्या याद रखना है, the name of these characters जो आप easily याद कर पाएंगे, और इनमें से एक बार मैं फिर से indicate कर देता हूं, must remember the name of these characters like Old Norval, Brainworm and Norval guys, so इतने नेम आपको जरूर याद रख लेने चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये है कैप्टन बॉबडिल का, बाकी ये गाइस रिपीट होकर के लिख गए हैं, सो इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर देते हैं, बट कैप्टन बॉबडिल, कैप्टन बॉबडिल गाइस ये फेमस है क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन टाइम पीरियड में, या गाइस व्हाट्सएप नंबर गाइस हर एक वीडियो में ये चल रहा होगा, यहां पर देखिए 9125090515 कंटिन्यूअसली चलता रहता, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। सो सी गाइस, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, कैप्टन बॉबडिल ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम पीरियड, सो चार्ल्स डिकेंस ने ये रोल प्ले किया, इसके लिए भी इंटरेस्टिंग है। स्पैनिश ट्रेजेडी, स्पैनिश ट्रेजेडी बाई थॉमस किड 1587, और ये जो गाइस वर्क है स्पेनिश ट्रेजेडी, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, इट्स अ रिवेंज ट्रेजेडी, सबसे पहले तो ये याद रखें कैरेक्टर गाइस, सो देखिए जैसे होरेशियो, होरेशियो कैरेक्टर, एंड होरेशियो गाइस इज ऑल्सो कैरेक्टर इन हैमलेट, इजंट इट, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, यू कैन सी होरेशियो इज देयर, होरेशियो कैरेक्टर गाइस, है ना। जैसे यहां पर देखिए आप गाइस बाल्थसर, बाल्थसर, सो बाल्थसर इज ऑल्सो कैरेक्टर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। बाय द वे गाइस हीरो नेमो बेल इम्ब्रिया, लोरेंजो और एंड्रिया, जेसिका एंड लोरेंजो एपिसोड याद है, ये भी गाइस आपको कहां पर मिलेगा, लोरेंजो मर्चेंट ऑफ वेनिस में,
सो देखिए ये कॉमन कैरेक्टर है जो अदर वर्क्स में भी आपको मिल जाते हैं, है ना। यस, इस पेरिस ट्रेजेडी और हीरोनिमो मैड अगेन, एक और टाइटल भी है इसका, स्पेनिश ट्रेजेडी और हीरोनिमो मैड अगेन। प्लीज हमेशा प्लीज डू रिमेम्बर गाइस, ये जो टाइटल कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स गाइस इन अदर वर्ल्ड। देखिए जैसे आप यहां पर देखते ना एंड्रिया, एंड्रिया इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑल्सो अ कैरेक्टर इन रॉबर्ट ब्राउनिंग। Browning's work, what is the name of the Browning's work? The name of the work is what, guys? So, main aapko bata dun, that is Andrea del Sarto. A-N-D-R-E-A-N-D-E-L-S-A-R-T-O. Andrea del Sarto. This is the work by Robert Browning. Aur wahan par bhi, guys, aapko ye character, ye same character, Andrea naam. So you can see Spanish tragedy के characters different places पर ले लिए गए हैं, है ना। Yes, Andrea del Sarto. Yes, you all are right, guys. Great, now next one पर आ जाइए। Jude the Obscure. This was the last novel by Thomas Hardy. And after this one novel, Thomas Hardy, so he just stopped writing novels. So guys, you know. Jude the Obscure came in the year 1595, the last novel. And in this character, guys, because you can see pessimism at peak, जो आपके Thomas Hardy थे, so Thomas Hardy ने इस work में, guys, pessimism को height दे दी, complete height में पहुंचा दिया था, guys, pessimism. And do not forget, guys, मैंने आपको बताया था ना, कल मैंने इसका first part दिया था, आज ये second part है ना। Yes. So character like Jude, Sue Bridehead, Mr. Philotson, Jude Fawley, Arabella Dunn. So these all are the characters guys जो आपको मिलेंगे। इसमें से एक और character है, शायद मैंने लिखा नहीं होगा, Little Father Time, LITLE and FATHER, Little Father Time. Guys, यही character है जो आपके exam में पूछा था। Jude, Sue Bridehead, Mr. Philotson, Jude Fawley and Arabella Dunn, guys. And you know, guys, yes, Arabella Dunn. और ये tragedy है, वो तो सब जानते होंगे लगभग। Little Father Time, guys. Little Father Time is a character, बहुत interesting character है guys, जो आपके exam में, yes, got it, 1895, oh, ठीक है, कोई नहीं, ये correct कर दीजिए, वो 15 आ गया होगा, 1895, वो तो सब जानते हैं, या ठीक है, चलिए कोई बात नहीं गाइस, करेक्ट कर लीजिएगा, वो तो आप समझते हैं टाइपिंग टाइपो, और मैं भी वही बोल दिया होगा, मैं भी ऐसे ही हो सकता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, ये है 18, है ना। विक्टोरियन एज का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था, मॉडर्न एज स्टार्ट होने वाला था उसी टाइम पीरियड में। मोबी डिक की अगर गाइस मैं बात करूं, मोबी डिक बाय हरमन मेलविल, मोबी डिक और द व्हेल, इसका गाइस जो टाइटल है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, है ना। यस, सो सी मोबी डिक बाय हरमन मेलविल, मोबी डिक बाय हरमन मेल। अगर मैं बात करूंगा इस मोबी डिक की, तो ये जो वर्क है, इस वर्क को एक और टाइटल दिया गया, और द व्हेल, और द व्हेल, इसका एक और टाइटल है, ठीक है, बिल्कुल। द टाइम पीरियड 1851, जब ये वर्क आया था गाइस, इसका टाइम पीरियड है 1851। इस वर्क में जो कैरेक्टर है गाइस, लाइक कैप्टन अहाब, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इश्माइल गाइस, कॉल मी इश्माइल, दीज आर द लाइंस जो इस पर्टिकुलर मोबी डिक में आपको मिलेंगे। मोबी डिक गाइस, द नेम ऑफ द व्हेल, Father Maple is also there. Eliza,
and Captain Bill Dad and Captain David and crew of the Pequod. So guys, Pequod, the name of the ship. Okay guys, yes. और एक इसमें एक छोटी सी बोट भी है, द नेम ऑफ द बोट, अगर किसी को याद है। आपकी एग्जाम में देखिए आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैरेक्टर नेम, है ना, कॉल मी स्मैल, ये गाइस आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिगार्डिंग मॉबी डिक। मॉबी डिक से रिगार्डिंग लाइक कॉल मी स्मैल, द लाइन अपीयर्ड इन, आंसर इज मॉबी डिक। स्कारलेट लेटर, दिस स्कारलेट लेटर, देखिए आप गाइस जानते होंगे हैथॉर्न के बारे में, Nathaniel Hawthorne, so he wrote a work. What is the name of the work? So guys, the name of the work is Scarlet Letter. Hai na? The name of the work is Scarlet Letter. And it was came approximately in the year 1850 or sometime guys you will find 51. Yes. Pequod, Rachel, yes guys, bilkul. Aur agar yahan par hum dekhein, so स्कारलेट लेटर में गए जो कैरेक्टर है जैसे हेस्टर फेराने, है ना, एंड आर्थर डेविसडेल, रोजर चिलिंगवॉथ, पर्ल, पर्ल इज द नेम ऑफ द किड, छोटी सी बेबी रहती है उसका नाम है पर्ल, नेटी बंबू गाइस, देयर इज अ सीरीज, नेटी बंबू सीरीज भी है गाइस, है ना, सीरीज ऑफ वर्क्स, गवर्नर रिचर्ड बेलिंगहम, so these all are the character, लेकिन Hester Pirani guys, this is the lady wearing a letter, got it, wearing basically you can say guys जो गले पे पहनती है, क्या नाम है उसको, कुछ बोलते हैं, and you know guys उसमें एक letter है, that is A for rebellion, adultery and all, so guys सब लोग उसे curse करते हैं, ये Puritan बेसिकली गाइस यू नो प्यूरिटन अमेरिका की बात करते हैं कि जहां पर लोग प्योरिटी पर बिलीव करते हैं, Nathaniel Hawthorne एंड स्कारलेट लेटर, एंड देन लेटर, दैट लेटर इज ए, लेटर ए, ए फॉर एडल्ट्री एबिलिटी एंड ऑल गाइस, यस, ठीक है ना, क्लियर सबको, बिल्कुल, या बोस्टन में सेट है, प्लीज हेल्प मी सर एक्सप्लेन ऑल दोज इंपॉर्टेंट वर्क, भाई साहब एक क्लास में नहीं एक्सप्लेन हो जाते हैं, प्लीज यू कैन ज्वाइन फॉर दैट, यू कैन ज्वाइन एट क्लासेस फॉर दैट, है ना, एक क्लास में सब एक्सप्लेन नहीं हो जाता कि मैं एक क्लास में चार पांच दिन के लिए बैठ जाऊंगा, प्लीज जो इसमें कवर हो रहा है उन चीजों पर फोकस कीजिए, जो चीज नहीं है आपके पास अभी उसके बारे में ना सोचिए, इसके बारे में सोचिए, ठीक है, हमेशा क्लास पर ध्यान दिया करें, क्लास में क्या चल रहा है, आपको क्या जरूरत है उस पर थोड़ा कम। द स्कारलेट लेटर गाइस, सो मैंने आपको ये बता दिया है ना, आगे आइए थोड़ा सा नेक्स्ट वन पर देखिए, ओल्ड मैन एंड द सी गाइस, ओल्ड मैन एंड द सी, एंड दिस इज द वर्क बाय हेमिंग्वे गाइस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे का गाइस एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है 1952, और यहां पर जो कैरेक्टर है जैसे मैनोलिन गाइस, मैनोलिन एंड मॉलिन, देखिए प्लीज याद रखिएगा M E R L I N, मर्लिन एंड मैनोलिन, मैनोलिन इज द नेम ऑफ द बॉय एंड मर्लिन इज द नेम ऑफ द फिश, इसमें भी गाइस फिशिंग वाली कहानी है, एंड यू कैन सी द ओल्ड मैन एंड जो डिमेजियो, ये गाइस जो डिमेजियो, सो जो ओल्ड मैन है ये इनसे बहुत इंस्पायर्ड है, पेरिको इज ऑल्सो कैरेक्टर, मार्टिन इज द कैरेक्टर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द वर्क ओल्ड मैन एंड द सी, मैनोलिन, मर्लिन एंड द ओल्ड मैन गाइस, है ना, एंड ओल्ड मैन वॉज ऑल्सो नोन एज वॉट, ओल्ड मैन वॉज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम दिया जाता है सलाओ, एस ए एल ए ओ, यू नो गाइस व्हाट डज इट मीन, एस ए एल ए ओ, सलाओ गाइस बस ये समझ लीजिए बैड लक, पनौती मान लीजिए, सलाव पनौती, बैड लक, कि जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू कैच अ सिंगल फिश, गॉट इट, यस, सिंगल फिश, ही वॉज नॉट एबल टू इवन कैच अ सिंगल फिश, एंड दैट्स व्हाई ही वॉज नोन एज सलाव, 18 feet, ओल्ड मैन एंड द सी, यस गाइस, सैंटियागो, सैंटियागो इज द नेम ऑफ दैट ओल्ड मैन, यस, सो एस ए एन, या सैंटियागो, ठीक है ना गाइस, यस,
एक कैरेक्टर है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइस, ये कैरेक्टर है आपकी पोएम्स से, जैसे यू नो गाइस सैमुअल टेलर कॉलिंस की पोएम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम. सो यू नो गाइस दिस इज द पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द नेम ऑफ द पोएम इज लीच गेदरर. द नेम ऑफ द पोएम इज लीच गेदरर. लीच गेदरर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड देयर इज अ कैरेक्टर गाइस जो समझ लीजिए इसमें आया गाइस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. एक कैरेक्टर है लीच गेदर दैट अपीयर्ड इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे, सो इवन ही पिक्ड अप, मतलब बहुत छोटे छोटे कंटेंट्स को भी गाइस इन्होंने पिक अप किया है गाइस, ठीक है ना. यस या मैनोलिन इज असिस्टेंट एंड मर्लिन इज द नेम ऑफ द फिश. बस याद रखोगे ठीक है. चलिए देखिए गाइस, जैसे पोएम्स में से कैरेक्टर कहां से आते हैं. पैराडाइज लॉस्ट क्रिस्टाबेल गाइस एक पोएम है, सी एच आर आई एस टी ए क्रिस्टाबेल. क्रिस्टाबेल दिस इज अ पोएम बाय हूम. सो ये कॉलरिज की है. क्रिस्टाबेल बाय कॉलरिज. और कॉलरिज को अगर आप जानते हैं बहुत अच्छे से तो अच्छी बात है गाइस. In this particular one, you know, guys, poem Christabel, you can see characters are there, है ना? Christabel है and one more guys character is there, please. Yes, and Christabel के father भी हैं यहाँ पर. Father and then a lady जिनसे वो जंगल में मिली थी woods. Please आप mention कर सकते हैं comment box में अगर आप. The bluest eyes. So the bluest eye and the bluest eyes. याद रखिएगा गाइस, द ब्लूएस्ट आईज एंड यू नो गाइस द ब्लूएस्ट आईज है. सो देखिए ये वर्क है बेसिकली ये मॉरिशन के साथ एसोसिएटेड. इट अ पेयर ऑफ ब्लू आईज लाइक थॉमस हार्डी का एक वर्क है द ब्लूएस्ट आईज टोनी मॉरिशन का 1970 टाइम पीरियड. और यहां पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पेकोला, पीई सी ओ एल ए पेकोला. पेकोला ब्रीड लव. ये कैरेक्टर गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप किसी को भी ना याद रखें चलेगा, बट पेकोला यू मस्ट रिमेम्बर मैचिंग में आया करता है क्वेश्चन गाइस, है ना. लाइक कैरेक्टर द राइटर, कैरेक्टर को राइटर से मैच कर दीजिए. कैरेक्टर और द नेम ऑफ द वर्क, मैच कैरेक्टर विद द नेम ऑफ वर्क, मैच कैरेक्टर विद द राइटर. सो ब्लूएस्ट आईज बाय टोनी मॉरिसन एंड पेकोला इज द कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर वर्क. मस्ट रिमेम्बर गाइस जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए, हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके ये चीज. अच्छा ये बताएं सबको क्लियर समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है. यस गाइस करेक्ट. आज बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, क्या बात है. मुझे लग रहा है आज इसलिए कम आए होंगे ना, सोचा होगा कि अरे क्या करेंगे, सेम थंबनेल है ना. स्टूडेंट्स थंबनेल पर भी काफी फर्क पड़ा. ओके नेक्स्ट वन पर आए गाइस. और यहां पर देखिए ये गाइस थिंग्स लिखा हुआ है, टी एच आई एन जी एस थिंग्स फॉल अपार्ट. सो दिस वन इज द नेम ऑफ द नॉवल बाय एच बी आई मीन चिनुआ एच बी. 1958 is the time period when it was given. The work Things Fall Apart. This is part of trilogy, popularly known as African trilogy or HB's trilogy. Guys. Got it? HB's trilogy. और मैंने आपको कई बार बताया भी होगा NTA. No longer it is Things Fall Apart and A guys. NTA is जल्दी से no longer it is things fall apart and yes A एंट्री साफ साफ ना पता नहीं गाइस. A के बारे में प्लीज जल्दी से मुझे बताइएगा. एरो ऑफ गॉड होगा अगर पता होगा आपको. यस थिंग्स फॉल अपार्ट. सो यू नो गाइस एक पार्ट है इनकी ट्रिलॉजी का एंड 1958 इन द ईयर इट वॉज केम. और यहां पर कैरेक्टर्स हैं लाइक इकमे फना गाइस. यस आई के ई एम ई एफ यू एन टी एंड ओकोन वो. दिस इज द अनादर वन कैरेक्टर. ये दो कैरेक्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं.
देखिए काफी कंफ्यूजिंग टाइप है, दैट्स व्हाई गाइस, या एनटीए एरो ऑफ गॉड नो लॉन्गर एट इज एंड थिंग्स फॉल अपार्ट एंड ए एरो ऑफ गॉड। अगर इसको सच में बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी करनी है तो टी एन ए किया जाएगा, टी पहले होगा फिर एन होगा सेकेंड नंबर पर और ए लास्ट में होगा, ठीक है ना। यस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा उसका। एंड हियर यू कैन सी कैरेक्टर लाइक इकमे फुना एंड ओकोनवो, और ये कैरेक्टर गाइस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेयर दिस वन कैरेक्टर अपीयर्ड, सो जस्ट आपको डायरेक्टली आंसर कर देना है इन दिस वन वन, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, वैसे आप सब लोग जानते हैं गाइस रेप ऑफ द लॉक एंड यू नो पैराडाइज लॉस्ट, दीज ऑल आर द फेमस वर्क, और इन फेमस वर्क से आपके कैरेक्टर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कैरेक्टर अगर नहीं पूछेंगे सो देन दे विल आस्क फॉर व्हाट, सो ये पूछ लेंगे डायरेक्टली सुपर नेचुरल मशीनरी। जैसे गाइस एरियल को लेकर के सुपर नेचुरल मशीनरी को लेकर पूछा जाता है, रेप ऑफ द लॉग एरियल इज देयर इन यू कैन से गाइस पैराडाइज लॉस्ट एरियल इज देयर एंड इन द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर एरियल इज देयर, सो एरियल नाम का कैरेक्टर। रेप ऑफ द लॉग बेलिंडा, बायरन, कैरल, Goddies are also there. Short the name of dog, guys. ये dog का नाम है. Ariel, Amriel, Gnome, Sylph and Salamanders. So these all are the supernatural machineries, guys. ये सारी supernatural machineries है. Because epic convention में supernatural machineries का काफी important role होता है. है ना guys? Yes. सुपर नेचुरल मशीनरी ऑलवेज इंपॉर्टेंट गाइस इन एपिक कन्वेंशन। इसके बाद देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस बेलिंडा एंड ऑल वाला। वुमन इन लव, ये डीएस लॉरेंस वाला है। वुमन इन लव डीएस लॉरेंस, लेडी चैटलीज लवर, द रैनबो, दीज ऑल आर द वर्क बाय डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनके जो गाइस कैरेक्टर है, टॉकिंग अबाउट थ्री जनरेशन है ना, कैरेक्टर लाइक गुडरन ब्रैंगवेन, उर्सुला ब्रैंगवेन, जेराल्ड क्रिच, लॉकी गाइस। ये देखिए कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत लेस नोन कैरेक्टर है बट इंपॉर्टेंट, एंड रॉबर्ट बर्किन इज ऑल्सो देयर। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टर इन वुमन इन लव बाई डी एस लॉरेंस। ये कैरेक्टर जिनमें से जैसे बर्किन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जेराल्ड क्रिच का गाइस नाम बहुत इंपॉर्टेंट, उर्सुला ब्रैंगवेन एंड यू कैन सी गाइस यस गुडरन ब्रैंगवेन, टॉम ब्रैंगवेन एंड ऑल्सो रैनबो एंड वुमन इन लव, दीज टू आर द यू नो गाइस यू कैन से गाइस एक सीरीज वाले, यस बोथ ऑफ द सीक्वल वुमन इन लव एंड द रैनबो, सो दीज टू आर द सीक्वल्स। तो ये देखिए आज के लिए जो मैंने आपके लिए कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे कि मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको कैरेक्टर से रिगार्डिंग दे दूं, वो मैंने शेयर कर दी है आपसे, है ना। यस Samuel Taylor College known for supernatural elements. Yes, बिल्कुल गाइस सही बात है। और हाँ ये देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। काफी सारे कैरेक्टर्स को लेकर के डील करना था कि मतलब कौन सा कैरेक्टर गाइस किस वर्क में मिलता है, और हाँ इन कैरेक्टर्स को अगर आप याद रखेंगे तो मे बी कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और एक मुझे मैं शायद बताना भूल गया, एक और वर्क है जिसका कैरेक्टर मुझे आपसे बताना था। जैसे आपका ये है ना बर्थडे पार्टी बीपी, तो बीपी के कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा, नेम ऑफ द कैरेक्टर बर्थडे पार्टी। देन क्रिस्टोफर मार्लो, सो क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लाइक जैसे आप अगर देखें डॉक्टर फॉस्टर्स, टम्बल इन द ग्रेट है, सो प्लीज डू रिमेम्बर द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी की जो क्लासेस होंगी अपकमिंग क्लास, क्योंकि आप एवरी डे मेरी क्लास देख सकते हैं ना। यस गाइस ऑलरेडी मैंने ही ना बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप ये वर्क पढ़ लीजिए, देखिए ही ना, अगर आप छोटी हो या बड़ी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि छोटे हैं आप बड़े मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बता, देखिए एक दिन के एक घंटे के एक्सप्लेन कर देने से या फिर पांच क्लासेस लेकर के एक्सप्लेन कर देने से नहीं होता। यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी एनी एग्जाम,
इससे नहीं होता, होता है आपका क्वालिफाई आपकी कोशिश से। कोशिश कैसे करनी होती है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, पढ़ डालो प्रीवियस ईयर पेपर, समझो पैटर्न को। जैसे डेली हम लोग क्लासेस लेते हैं, स्ट्रेटजी क्लासेस, कौन सा वर्क पढ़े कौन सा ना पढ़े, मतलब मैंने कई बार बताया होगा, लेकिन हर क्लास में ये पॉसिबल नहीं होता। अब बताओ अगर वही हम घूम घुमा करके पढ़ाते हैं तो फिर वही अच्छा। So, मेरा कहने का मतलब है कि आप एक फाइन लिस्ट ले सकते, इवन मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया होगा, मतलब थोड़ा सा एक अच्छे लर्नर बनने के लिए थोड़ा सर्च करनी पड़ती। मैंने टेलीग्राम पर 100 टॉपिक्स को सर्च किया था, है और इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं कि आपको राइट गाइडेंस अगर मिलता है, राइट गाइडेंस से देखिए पढ़ना क्या है ये बताने, क्या पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना चाहिए वो बताने वाला अगर मिल जाए, सो देन यू कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम। जब आप अपनी सेल्फ पेस में होते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्फ पेस से आप कर नहीं सकते, सेल्फ पेस में कर सकते हैं जब आप काफी अच्छे क्रिएटिव। जैसे आप अपनी कोई गाइड बुक लेते हैं तो गाइड बुक में जो नेम दिए रहते हैं एटलीस्ट वो पढ़िए। इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए एक्स ऑथर है, एक्स ऑथर का ये वर्क बहुत पॉपुलर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखा करें। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बता दूं कि ये 10 पढ़ लीजिए और 10 पढ़ने के बाद आपका काम हो जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, इसके लिए 6 महीने साल भर लगातार जब आप पढ़ेंगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगी, मतलब लगी रहेंगी कंटिन्यूअसली डूइंग योर बेस्ट, सो देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ चीजें क्या पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर को खूब पढ़िए मन से, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, है तब समझ पाएंगे। मेरे 2 बार के बताने से ये सारी चीज क्लियर नहीं हो जाती, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है बाय द वे, और अगर बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं। You can't afford, I know कि you can't afford, बहुत सारे लोग नहीं afford कर सकते, चिल्ला चिल्ला करके हम लोग daily बोलते हैं, 1 pm daily, 12 to 1 pm daily मैं class यहाँ पर लेता हूँ YouTube में, every day, Unacademy पर 8 pm classes लेता हूँ, आपकी practice कराता हूँ, जाने कितना सारा guidance देता हूँ। आपके पास समय ही नहीं है तो आपके पास कोई लेके नहीं आ पाएगा कि ये लीजिए पढ़ लीजिए एग्जाम में चले जाइए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी होगी, बड़ी लिस्ट बनाइए, यस दिस इज द लिस्ट आई एम गोइंग टू कवर, है ना। वो सारी चीजें जब आप करेंगे, जैसे हमने स्ट्रेटजीज मैंने कई सारी क्लासेस ली, वहां पर मैंने आपको बताया ये पोयम में पढ़िए, ये पोएट्री में पढ़िए। देखिए मैं क्या बताऊंगा, मैं शेक्सपियर को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाऊंगा, जस्ट मैं अपने लेक्चर दे करके उन लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चीजों को बता करके आपको गाइडेंस दे सकता हूं। सिलेबस बड़ा होता है, लंबी प्रोसेस चलती है, थोड़ा जब आप मन से और एक स्टेबल होकर के जब आप प्रिपरेशन करते हैं सो डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलता है। भागने से दौड़ जाने से कि नहीं अब ये अब हो ही जाएगा एक वीडियो देखने के बाद, वो नहीं होता प्लीज। आप लोग अगर वो सोचते हैं तो वो गलत है, और जो लोग ये पब्लिश कर देना कि 30 दिन में 5 दिन में मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया, उनसे ये पूछने की जरूरत होती कि आपने 30 दिन में नहीं, आपने 30 साल तक पढ़ा होगा तब जाकर के। देखिए एक दिन की लर्निंग नहीं होती हमारी, हमारी लर्निंग होती है एक लॉन्ग टाइम पीरियड, 6 महीने 1 साल गाइस आप मन से लग जाओ, मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ज्यादा अगर आप एक अच्छी मतलब स्मार्ट वे में चलते हैं कि हाँ भाई कितना पढ़ना है मुझे और क्या क्या पढ़ना है, सो इजीली मुझे लगता है कि आप डन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली। पढ़ने के लिए कंटिन्यूअसली मतलब एक अपनी लिस्ट बनाइए, हाँ ये हमारी लिस्ट है, ड्रामा में ये पढ़ेंगे, पोइट्री में ये पढ़ेंगे, है ना, नॉवल में ये पढ़ लेंगे, क्रिटिसिज्म में ये पढ़ना है हमें, सो गाइस यू नो कि आपके पास काफी सारी हेल्पफुल चीजें होती है और इंटरनेट बेस्ट सोर्स होता है, आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं अफोर्ड कर पाते। चलिए गाइस थैंक यू सो मच। या देखिए 1 मंथ में क्या होता है, हम लाइफ टाइम लर्न करते हैं। अब जैसे मैं हूं तो मैं कहूं कि मैंने 10 मिनट पढ़ा और 10 मिनट में मैंने फला एग्जाम क्रैक कर दिया, तो आज मैं 3 साल से तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं इस डिजिटल वर्ल्ड में,
3 साल से पहले गए, 2-3 सालों तक ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया। सो जब मैं डेली ये 5-6 घंटे 5 to 6 आवर्स जब मैं डेली पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मेरा नॉलेज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अगर आप 5-6 घंटे डेली पिछले 6 साल से पढ़ा करके क्वालिफाई कर गए, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बात वहां आती है कि मतलब हाँ, आपने 10 दिन पढ़ा और 10 दिन में क्वालिफाई कर गए, तो या तो तुक्का मार लिया, या तो आप बहुत बड़े ब्रिलियंट है, किताब आते स्क्रीन स्कैन कर जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे। सो कोशिश, प्रयत्न कीजिए, कंटिन्यूअसली कोशिश कीजिए, देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय गाइस एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज डेली क्लास वॉच कीजिए। इस चैनल पर ही हीना से 500 से 600 वीडियो इस चैनल पर पड़े। नहीं अफोर्ड कर सकती क्लासेस कोई भी स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहा है इस चैनल पर, गाइस मैंने आपको बताया भी अभी कि 600 वीडियो 600 प्लस वीडियोस पड़े हैं इस चैनल में लिटरेचर से एसोसिएटेड। आप ये 600 वीडियो अगर पूरे वॉच कर डालें तो आप डेफिनेटली नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बचे अगर पार्ट तो कवर कर लीजिएगा, बाकी लगभग कर सकते हैं गाइस। हिम्मत हो तो वॉच करके देखिए, बट करना कहां है, वॉच कहां है। सर ऐसा दीजिए कि 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे बाद तीसरे घंटे हाथ में सर्टिफिकेट ये लो, और तीसरे घंटे के बाद 6वें घंटे में सीधे प्रोफेसर, ऐसा नहीं होता गाइस। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है निरंतर में, कंटिन्यूअसली गाइस। ओके, बाय एंड टेक केयर गाइस, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।